बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम टू अ पेयर ऑफ सारस क्रीम्स पोएम पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पोएम मनमोहन सिंह द्वारा रचित है। आप एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और आपकी कविताएं कई पत्रिकाओं में छपी भी हैं। इस कविता में वे सारस पक्षियों के जोड़े के बीच के प्रेम को दर्शाते हैं। हम मनुष्य की ही तरह पशु पक्षी भी प्रेम, पीड़ा, विरह वेदना आदि सब फीलिंग्स और इमोशंस को महसूस करते हैं। इस बात को वे बहुत ही मार्मिक रूप से इस कविता में पेश करते हैं। आओ पोम पढ़ते हैं और समझते हैं। To a pair of Sarus cranes. The male was shot as he necked to pull the reluctant sun out from the rim of horizon. Necked माने गर्दन को आगे बढ़ाना, reluctant माने unwilling, rim माने edge, horizon माने क्षितिज। मेल सारस पक्षी ने सुबह के समय अपनी लंबी सुंदर गर्दन को आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि वो सूरज को अपनी चोंच से पकड़कर बाहर निकाल रहा हो। पूरी रात सोने के बाद सूरज कुछ नींद में कुछ अलसाया हुआ था। वो बाहर आने में आनाकानी कर रहा था, इसलिए सारस उसे उठाने का प्रयास कर रहा था, मानो वो उसे जगा रहा हो। उठो, दिन का शुभ आरंभ करो। ऐसे में उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ। एक शिकारी ने उसे गोली मार दी। आगे पढ़ें। She flew crying as he was picked up, hands and jaws, and a proud neck was humbled to lie like dirty linen in a coarse washing bag. Humbled माने lower, reduce, dirty linen माने गंदे कपड़े, कोर्स माने खुरदरा। मादा सारस पक्षी इस अचानक हुए हमले से शॉक हो गई। चीख पुकार करती हुई वो आसपास उड़ने लगी। शिकारी ने उसके साथी को बहुत बेदर्दी से, बेरहमी से उसकी चोंच और उसकी गर्दन से उठाया। उसके मन में जरा भी दया नहीं थी। उसे इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि कुछ पल पहले ये एक जीता जागता सुंदर प्राणी था, किसी अन्य पक्षी का साथी था। एक ही पल में उसने एक जीवन मिटा दिया। अभी तक वो सारस पक्षी शान से, गर्व से जीवन बिता रहा था। उसकी गर्दन शिकारी की एक वार से सदा के लिए झुक गई। शिकारी ने उसे एक खुरदरे थैले में गंदे मैले कुचैले कपड़ों के जैसे पटक दिया। आगे पढ़ें। She circled the sky in movements of grace over his disgraceful end. The killers went away and she returned to the death scene with grief that inscribed its intensity in dots and bits like the Morse code of bird's sorrow transmitted to the air. Grace माने elegance, सौंदर्य, disgraceful माने शर्मनाक, grief, दुख, inscribed, engraved, अंकित, Morse code, dots और dashes के रूप में English alphabet को translate करके sound या electrical या wireless signals भेजना। सारस पक्षी मनुष्य के भांति संवेदनशील होते हैं। वे सुख, आसक्ति, पीड़ा, प्रेम, विरह वेदना सब अनुभव करते हैं। नर व मादा पक्षी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। अपने साथी के बिछड़ जाने पर वे करुण क्रंदन करते हैं, हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं। यहाँ भी मादा पक्षी अपने साथी की निर्मम हत्या पर विचलित हो उठी। वो आकाश में दुखी मन से चक्कर काटने लगी। उसकी उड़ान ग्रेसफुल थी, सुंदर थी,
ठीक उसके साथी के डिस्ग्रेसफुल शर्मनाक मृत्यु के विपरीत। जब हत्यारे वहां से चले गए तो बेचारी उस स्थान पर आकर बैठी जहां उसके साथी के प्राण बेदर्दी से लिए गए थे। उसका हृदय पीड़ा से फटा जा रहा था। उसके मुख से दर्दनाक आवाजें निकली, कुछ धीमी, कुछ बहुत तेज, जैसे मॉर्स कोड होता है, डॉट्स एंड डैशेस से बना हुआ। उसी प्रकार की पीड़ा के स्वर हवा में गूंजने लगे। आगे पढ़ें। With her beak, she kissed a few feathers, picked the ones that wind had not taken away, and sat to hatch the blood-stained feathers into a toddling chick. Hatch माने बच्चे को अंडे से निकालना, blood-stained खून से सना, toddling chick धीरे धीरे अनशोर कदमों से चलने वाला न्यूबॉर्न चिड़िया का बच्चा। अपनी चोंच से मादा पक्षी ने ध्यान से आदर के साथ अपने साथी के पंखों को उठाया जो जमीन पर गिरे हुए थे, जिन्हें हवा अपने साथ बहाकर नहीं ले गई थी। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रही है। जिस प्रकार एक मादा पक्षी अपने अंडों पर बैठकर उन्हें गर्म करती है ताकि अंडों से सुंदर नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा हों, उसी प्रकार वो अपने साथी के खून से सने पंखों पर बैठ गई। वो उन्हें हैच करना चाहती थी। उसे लगा शायद उसके प्रेम, उसके स्पर्श को पाकर वे पंख जीवित हो उठें, उसका साथी वापस आ जाए। आगे पढ़ें। A wave of seas she had never seen came to her from far away and carried her to him. She went away beyond Hume's words, beyond the legends and fables of human love. Hume एक स्कॉटिश फिलोसोफर का नाम है। लेजेंड्स और फेबल्स होती हैं दंत कथाएं और किस्से कहानियां। मादा पक्षी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। दर्द का एक अथाह अनंत सागर था और वो उसमें बहे जा रही थी। अपने साथी से बिछड़ जाने का गम उससे सहन नहीं हुआ और उस बेचारी ने अपने प्राण त्याग दिए। She died of the pain of a broken heart. कवि कहते हैं, वाकई उसका प्रेम सबसे महान, सबसे ऊंचा, सबसे सच्चा और सबसे गहरा था। हमने हीर रांझा, सोनी महिवाल आदि कितनी ही प्रेम कथाओं के बारे में पढ़ा और सुना है, मगर इस जोड़े का प्यार ह्यूम के दर्शन शास्त्र से, उसके लिखे शब्दों से, सभी लेजेंड्स और फेबल से ऊंचे स्थान पर है। इनका प्रेम पूजनीय है, इनका प्रेम अमर है। अंततः पोएट यही समझाने का प्रयास करते हैं कि हम मनुष्यों को मदर नेचर और उनकी बनाई हर वस्तु, हर जीव से प्रेम करना चाहिए। अपने स्वार्थ, अपने लालच और अपनी क्रूरता से हम इस धरती को और इसके सभी प्राणियों को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। हमें एक फ्रेंडली और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए सभी जीव जंतुओं के साथ। वी मस्ट लिव इन हार्मनी विद नेचर। ऐसा करने से ये धरती स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। यहां पूरा होता है टू अ पेयर ऑफ सारस क्रेन्स का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मजा आया तो प्लीज बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।